अभी देखिए यहाँ पर पटोरी के डीएसपी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये जिस तरह से पटोरी में लगातार अपराध की घटना जो बढ़ रही है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। चलिए आइए हम आपको बात कराते हैं। सर मेरा आवाज बैठा हुआ है। नहीं सर, ये पुलिस प्रशासन के सामने सर, यहाँ बगल में ही हत्या हो गई, लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर है, क्या कहेंगे सर? लगातार घटना बढ़ रही है सर, अपने पटोरी क्षेत्र में लगातार घटना बढ़ रही है, इस पर क्या बढ़ रही है? कार्रवाई भी हो रहा है, पकड़ा भी रहा है, जेल भी जा रहा है। वो तो हो रहा है, लेकिन सर इस पर रोक कब लगेगा सर? वो तो हो रही है, प्रक्रिया है ना सर? पेट्रोलिंग हम लोग करा रहे हैं जी, निश्चित रूप से जो है पकड़ाएगा, जेल जाएगा, जो कानून के हाथ में लेगा वो पकड़ाएगा, जेल जाएगा, सलाखों के अंदर होगा सर। और बाकी हमारा पुलिस पे ट्रॉलिंग जारी है। नहीं नहीं, जिस तरह से यहाँ पर जो अस्पताल संचालक हैं उन लोग में भी अब डर का माहौल है कि हम अब 24 घंटे कैसे कोई बुलाएगा तो जा पाएंगे। अनावश्यक रूप से यहाँ बहुत सारा अस्पताल खुला हुआ है, सभी का वेरीफाई करेंगे। नहीं, वो तो बाद की बात है ना सर, अभी फिलहाल जो सबका जो है जांच करेंगे कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है जी। उसके बाद अगर इस तरह का खुलेगा उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाए सर। वो जांच का विषय है आपका, लेकिन जिस तरह से अभी डर का माहौल पैदा हो गया ना सर, कि अब कोई भी इलाज करने के दौरान रात में भी नहीं निकल पाएंगे। पेट्रोलिंग हम लोग कराएंगे, पेट्रोलिंग हम कराएंगे, ऐसा कहना है डीएसपी साहब का कि हम पेट्रोलिंग कराएंगे और अस्पताल की जांच होगी जो गैर कानूनी ढंग से चल रहा है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे भैया जिस तरह से सर? डीएसपी साहब कह रहे हैं कि जो अस्पताल गैर कानूनी ढंग से चल रहा है उसकी जांच कराएंगे, इस पर जवाब देने से बचते रहे हैं, कह रहे हैं कि जो होगी उस पर हम बात करेंगे। घटना जो हुआ है संवेदनशील है, पुलिस प्रशासन को एक्टिव होकर के इस घटना का उद्भेदन करके जो दोषी लोग हैं उनको कड़ा से कड़ा सजा दिलाना चाहिए, यही पटोरी के हित में बेहतर होगा। लगातार प्रक्रिया हो ही जाती है, पटोरी में इस तरह की घटना हो रही है और थाना अध्यक्ष सिस्टम जो भी यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं वो निष्क्रिय प्रतीत हो रहे हैं, ये सब लोग हम लोग देख रहे हैं। इसमें पुलिस को एक्टिव होना चाहिए सर, जैसा कि डीएसपी साहब ने कहा कि जांच पड़ताल चल रही है सर। रोक, मेरा सवाल है रोक कब लगेगी? ऐसा घटना तो अंजाम लगातार दिया जा रहा है, रोक कब लगेगी? पुलिस एक्टिव होगी तो रोक लगेगा, पुलिस एक्टिव नहीं होगी तो रोक नहीं लगेगा। चलो पुलिस एक्टिव होगी तो रोक लगेगा, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? सौ घुसखोर है पटोरी थाना। अच्छा, अगर आप तो युवा है, इस तरह का डर का माहौल जो दिख रहा है क्या कहेंगे इस पर? सुरक्षा चाहिए और क्या चाहिए, सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है। देखिए पटोरी जैसे क्षेत्र में लोगों को अब चलना मुश्किल हो रहा है, जो कह रहे हैं कि क्षेत्र का यह गौरव बनता जा रहा था पटोरी, लेकिन गौरव क्या, अब यहाँ पर रहना दुश्वार होता जा रहा है। जिस तरह से आए दिन लगातार पटोरी के क्षेत्र में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं वंदे बिहार, अगर फेसबुक यूट्यूब पर देखें तो हमारे इस वीडियो को शेयर करते चले। धन्यवाद।